गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी गो थ्रू ऑफ आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सब्जेक्ट. इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस लास्ट थ्री डेज वी आर कंटिन्यूस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑन द डिमांड एनालिसिस. एंड इन दिस चैप्टर price elasticity is very important topic of as a part of demand analysis. दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग विश्लेषण का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत अपन ने मांग के नियम को देखा. सबसे पहले कीमत और मांग की परिभाषा, मांग अनुसूची, मांग का नियम, मांग वक्र का अध्ययन करने के पश्चात अब हम आज अध्ययन करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की लोच पर हम इस बात का अध्ययन करेंगे कीमत लोच क्या है. देखिए, जब मांग का नियम पढ़ा था उस समय अपन ने यह देखा था कि कीमत और मांग के बीच में हमेशा विपरीत संबंध होता है. लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक में अपन ने देखा था इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. अब हम आज के टॉपिक में ये पढ़ना चाहेंगे कि कीमत के परिवर्तन से मांग में परिवर्तन तो होगा और वही अन्य बातों को समान मानते हुए हम ये चलते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में विपरीत परिवर्तन होता है. लेकिन ये परिवर्तन होता कितना है, कितना परिवर्तन होगा किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या कीमत के अनुपात में ही मांग घट जाएगी कीमत बढ़ने पर, अथवा कीमत के बढ़ने के जिस अनुपात में कीमत बढ़ेगी उससे मांग में कम परिवर्तन होगा या ज्यादा परिवर्तन होगा या उतना ही परिवर्तन होगा. इस चीज को देखने के लिए हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एनालिसिस करते हैं. इस माप विधि को हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार कीमत में परिवर्तन पर जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन कितना होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा. इसके लिए हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना बहुत जरूरी है. हम यदि मांग के जैसा कि स्टोनियर और हेग ने कहा था कि मांग की कीमत लोच या कीमत का मांग पर प्रभाव एक इस प्रकार की अनुक्रियात्मक या प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन है कि कीमत के घटने पर हम ये देख सकें कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ. यानी उनको इस प्रकार से मैंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्राइस का कितना प्रभाव मांग पर पड़ता है. इसको हम यदि सूत्र के रूप में देखना चाहें तो मांग की लोच बराबर आप कह सकते हैं कीमत में आनुपातिक मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांग मात्रा में या मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन. मांग की लोच का यह महत्वपूर्ण सूत्र कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात इसको यूं कहा जा सकता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में कितना आनुपातिक परिवर्तन होगा वह मांग की लोच से स्पष्ट किया जा सकता है. इसे यदि हम सूत्र के रूप में इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि चेंज इन डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन पी एक्स इंटू पी एक्स बटा क्यू एक्स. यह सूत्र किस प्रकार प्राप्त हुआ, जैसा कि यदि हम यहाँ पर देखें कि मांग मात्रा में परिवर्तन, इस सूत्र को यहाँ ले लें, मांग मात्रा में परिवर्तन
बटा मांग मात्रा में परिवर्तन बटा मांग की मात्रा भाग कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटा कीमत। देखिए इसे यदि हम संकेतक रूप में लेना चाहें तो मांग मात्रा में परिवर्तन को यहां पर संकेतक रूप में मैं यहां ले रहा हूं मांग मात्रा में परिवर्तन, इसके लिए मैंने डेल्टा टू एक्स कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कितना चेंज एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु है उसकी मांग मात्रा को क्यू के रूप में और डेल्टा परिवर्तन का संकेत है, फिर है मांग की मात्रा अर्थात क्यू एक्स, भाग के रूप में आप देखिए कीमत में परिवर्तन डेल्टा पी एक्स बटा कीमत, इट मीन्स पी एक्स, इस चीज को यदि आप वापस यहां लिखना चाहें तो डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा क्यू एक्स बटा क्यू एक्स, ऊपर वाला जो फॉर्म रूप है इसको इसी रूप में लिख दिया। अब इस फॉर्म को मैथमेटिकली अपन इस प्रकार लिख सकते हैं पी एक्स बटा क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स ये आपका आ गया पी एक्स बटा डेल्टा पी एक्स, पी एक्स बटा डेल्टा पी एक्स, इसी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटा क्यू एक्स, यही स्थिति को हमने डायरेक्ट इन सूत्र के रूप में यहां लिया है। देखिए कीमत में सॉरी मात्रा में परिवर्तन बटा वस्तु की मात्रा और डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत, इसको गणित के रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हैं ऊपर वाले योगी स्थिति डेल्टा क्यू एक्स बटा क्यू एक्स मल्टीप्लाई में आप लेंगे कि चेंज हो गया पी एक्स बटा डेल्टा पी एक्स, फिर डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा पी एक्स को इधर ले आएंगे तो डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा पी एक्स होगा डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा पी एक्स, और दूसरी स्थिति है पी एक्स बटा क्यू एक्स जो यहाँ आपके आ गया पी एक्स बटा क्यू एक्स। तो इस प्रकार यह मांग की लोच का सूत्र हुआ जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग मात्रा पर कितना प्रभाव होता है वह अपन इस लोच के रूप में माप सकते हैं। इसी स्थिति को यदि हम एक गणितीय उदाहरण से देखें और यह समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार हम मांग की लोच को मापते हैं या मापा जाता है, जिसे हम प्रायः मांग की आर्क लोच या चाप लोच कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब मैं मांग की आर्क लोच को भी लेना चाहता हूं और आर्क लोच के साथ साथ इस सूत्र के आधार पर हम देखते हैं कि किस प्रकार हम मांग की लोच को कीमत में परिवर्तन होने पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कीमत का मांग पर कितना प्रभाव हुआ लोच के रूप में आपके सामने स्पष्ट किया जा सकता है। अब मांग की आर्क ऑब्लिक चाप लोच, आर्क लोच क्या दीजिए चाप लोच क्या दीजिए आर्क इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड, इसमें हम मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर मांग की लोच का आकलन कर सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मांग वक्र ड्रॉ कर रहा हूँ, यह डी डी डिमांड कर्व है और हम मान लेते हैं कि इस डिमांड कर्व में सपोज प्राइस ₹5 मांगी जाने वाली मात्रा 8 इकाई, कीमत घट गई ₹4 हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा 8 से बढ़कर 10 हो गई। यहाँ ले लेते हैं एक्स अक्ष पर मांग मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत ले रहे हैं। अब इसमें ए बिंदु
बी बिंदु जो कि मांग वक्र के ऊपर स्थित दो बिंदु है, यह मांग में परिवर्तन को या मैं डेल्टा एक्स से दर्शा देता हूं और कीमत में परिवर्तन को डेल्टा पी से दर्शाया गया है। अब आपको यदि इन दो बिंदुओं पर मांग की लोच देखना पड़े तो आप दो स्थितियां को और फर्गुसन के अनुसार हम चलें तो तीन स्थिति के आधार पर हम मांग की लोच को आंकलन कर सकते हैं। अब हम एक एक स्थिति के आधार पर देखेंगे और इस सूत्र का सहारा लेंगे। मैं एक बार आपके सामने सूत्र या फिर ले लेता हूँ। इलास्टिसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स इंटू पी एक्स बटा क्यू एक्स, ये आपके सामने, या पी बटा क्यू। आप चाहते हैं कि यह x की जो वस्तु की मात्रा है, सॉरी वस्तु x वस्तु यहाँ आपको यदि कंफ्यूज करे तो आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, डेल्टा q डेल्टा p इंटू पी बटा क्यू। एक्स को मैंने यहाँ घटा दिया, x वैसे वस्तु का संकेत है। आप इस प्रकार भी सवाल को समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्स वस्तु का संकेत भी हटा दिया। अब यहाँ पर मैं एक गणितीय उदाहरण लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि हम ए बिंदु पर लोच देखना चाहें, स्टेज फर्स्ट या पहले स्थिति ए बिंदु पर मांग की लोच, तो ए प्रारंभिक स्थिति हो गई और उसके बाद हम यदि मांग की लोच को देखना चाहें तो ये गणितीय उदाहरण हमारा इस प्रकार है, कीमत अर्थात पी मांग मात्रा अर्थात क्यू। अब कीमत ₹5, मांगी जाने वाली इकाई 8, कीमत ₹4, मांगी जाने वाली इकाई 10। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है दर्शाया गया है, कीमत घटी मांग मात्रा बढ़ गई। अब यदि हम लोच को मापे ए बिंदु पर, मापने का प्रयास करते हैं कि ए बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, सूत्र हमारे सामने पड़ा है, डेल्टा क्यू अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ, 5 ए बिंदु पर मांग 8 थी, 8 से 10 हो गई, अर्थात डेल्टा क्यू मांग में होने वाला परिवर्तन 2 इकाई का। फिर डेल्टा पी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन 5 से 4, यानी 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1, अर्थात कीमत में हुआ 1 इकाई या 1 रुपए का परिवर्तन। गुणे का निशान, फिर यहां पर आप देखिए प्राइस कितनी थी 5, और ₹5 पर प्रारंभिक इकाई कितनी थी 8। ये हमने इस ए बिंदु पर जो होने वाला परिवर्तन या लोच का माप करें इस सूत्र के अनुसार, तो हमने देखा कि डेल्टा क्यू 2 इकाई, डेल्टा पी 1, प्रारंभिक प्राइस 5 और प्रारंभिक मात्रा 8, यह 10 8 डिवाइडेड बाई -1, और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो -1.25, यू कैन से दैट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। यहाँ पर ए बिंदु पर मांग की लोच है वह 1 से अधिक अर्थात 1.25 आया। अब यदि हम दूसरी स्थिति को देखें, सेकेंड स्टेज दूसरी स्थिति को देखें, इसमें हम चाहते हैं बी बिंदु पर मांग की लोच या मांग की कीमत लोच कह सकते हैं आप। इस स्थिति में देखिए सूत्र हमारा वही है आपके सामने, इलास्टिसिटी बराबर क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, यहां पर चेंज किया हुआ है कि 10 से 8 अर्थात 10 थी पहले, अभी बिंदु पर है, बी बिंदु पहले था, बी बिंदु पर कीमत थी 4,
अब कीमत चार से बढ़कर पांच हो गई, अर्थात मात्रा है वो आठ से घटकर, दस से घटकर आठ पे आ गई, अर्थात दो का माइनस परिवर्तन हुआ बटा कीमत में परिवर्तन कितना है चार से पांच यानी एक का मल्टीप्लाई। प्रारंभिक प्राइस कितनी थी चार रुपए और प्रारंभिक मात्रा या मांग कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा थी आपकी दस। इस प्रकार माइनस एट डिवाइडेड बाय टेन इक्वल टू 0.8 इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो आप कह सकते हैं कि एक ही मांग वक्र पर दो बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग हुई, अर्थात मांग वक्र के एक ही मांग वक्र पर मांग की लोच समान नहीं रहती है। यहां आपको इस एग्जांपल में यह बात स्पष्ट हो गई कि बिंदु ए पर मांग की लोच 1.25 है, अर्थात एक से अधिक है, लोचदार मांग है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। बी बिंदु पर मांग की लोच जो है इकाई से कम है, लेस देन 1 है, अर्थात ए और बी बिंदु पर मांग की लोच बराबर नहीं आई है। तीसरी जो प्रभूषण ने मांग की लोच का बताया है, जिसमें यह कहा है प्रभूषण ने और कई अर्थशास्त्री ने भी इस बात को फॉलो किया है कि मांग की लोच को ज्ञात करने पर यदि हम नीचे वाली कीमत और नीचे वाली मांग मात्रा को लेकर यदि मांग की लोच को ज्ञात करें तो जो स्थिति आएगी वो इन दोनों के बीच की स्थिति होगी या इससे भिन्न होगी, यानी कहने का अभिप्राय के बीच की स्थिति होगी। अर्थात तीसरी स्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि कीमत सॉरी डेल्टा क्यू जो फर्गुसन ने बताया था, डेल्टा क्यू है वो आपका दो और यह एक माइनस दो बटा एक इंटू। अब आप देखिए यहां पर आपको लेना है प्राइस जो लेस है कम है चार रुपए और क्वांटिटी जो कम है अर्थात आठ। इस प्रकार एक डिवाइडेड बाई एक इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इट मीन्स इलास्टिसिटी एक के बराबर आई। अब यह विधि भी अधिकांश अर्थशास्त्री प्रयोग करते हैं जिसमें डेल्टा क्यू और डेल्टा पी में कोई परिवर्तन नहीं है, किंतु जो हमें इस सूत्र में चेंज करना होगा या जो देखना होगा वह है निम्न कीमत और निम्न मात्रा को लेकर के मांग की लोच ज्ञात करना। और यहाँ जो स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हुई है वह स्थिति यह है कि थर्ड स्टेज के अंतर्गत जो हमें इलास्टिसिटी प्राप्त हुई है वह इलास्टिसिटी इन दोनों के बीच की स्थिति है, अर्थात 0.1 से ज़्यादा है, 0.8 से ज़्यादा है और 1.25 से कम है। तो इस प्रकार जो इन्होंने व्याख्या की है फर्गुसन ने और उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि थर्ड स्टेज के अंतर्गत मांग की लोच आएगी वो डिफरेंट होगी। अब हम मांग की लोच का एक और व्याख्या की है टोटल एक्सपेंडिचर के आधार पर लिवाज़्स्की ने, एचएस लिवाज़्स्की एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने मांग की लोच की व्याख्या की, वह है व्यय को लेकर के मांग की लोच का ज्ञात करना। लिवाज़्स्की ने एक्सपेंडिचर को आधार बनाकर मांग की लोच का जो सूत्र दिया और उसमें इन्हें कहा कि किस प्रकार कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में परिवर्तन आता है और कुल व्यय में परिवर्तन के आधार पर यदि हम लोच ज्ञात करें तो वो अलग प्राप्त होगी। इलास्टिसिटी बराबर 1 माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा पी है व्यय में परिवर्तन और x वस्तु की मांग या वस्तु की मात्रा और डेल्टा p है वह कीमत में परिवर्तन। इस लिवाज़्स्की के सूत्र के आधार पर यदि हम ज्ञात करना चाहें मांग की लोच
तो स्थिति को अंतर्गत हम देख सकते हैं। उसी एग्जाम्पल को यदि हम लेते हुए जिसके अंतर्गत हमने प्राइस 5 और क्वांटिटी थी उस समय माल मात्रा 5 पर 8 इकाई, एक्सपेंडिचर हो जाता है 40 रुपीज और चेंज इन एक्सपेंडिचर व्यय और व्यय में परिवर्तन। यहां है मांग मात्रा और यह आपकी कीमत। अब देखिए इसके बाद में जब प्राइस 4 रुपये 10 और यह भी एक्सपेंडिचर 40। अब इनके बाद में यदि हम कीमत 9 रुपये लेते हैं तो हमारा व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कीमत 11 रुपये हो जाती है तो हमारे व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तीन स्थितियों पर व्यय में परिवर्तन होगा। यहां पर आप देखिए पर यूनिट प्राइस 4 रुपये 10 इकाई हम खरीदते हैं, हमारा व्यय 40 हुआ, अर्थात एक्सपेंडिचर में 40 माइनस 40 कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो 5 पर था वो का वो हमारे कीमत 4 रुपये हो जाने पर एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। दूसरी स्थिति में देखिए यदि ये कीमत 9 रुपये होती है तो 4 × 9 = 36 रुपीज एक्सपेंडिचर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वह 4 रुपये कम हो रहा है, अर्थात 36 और 40 का यदि हम लें 40 माइनस 36 माइनस 40 = -4 के बराबर, तो यह एक्सपेंडिचर जो है वह आपकी 4 रुपये के बराबर कम हुआ। और यदि प्राइस 9 रुपये न होकर 11 रुपये हो जाती है तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो जाएगा 44 रुपये। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत यह 4 रुपये एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इस स्थिति को यदि हम इस सूत्र में रखकर देखेंगे तो इन तीनों ही स्थितियों में हमारे सामने मांग की लोच है वह अलग अलग आएगी। आप इस सूत्र के अंतर्गत रखकर देखें, पहले में ई एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात यहाँ पर आपकी मांग की लोच में नहीं दिखेगा, यहाँ पर जो है वह आपको मांग की लोच के तीनों स्थितियां जो है वह इसके अंतर्गत आपको अलग अलग दिखाई देगी। पहला जब व्यय कुछ नहीं होता है तो मांग की लोच 1 के बराबर, जैसे लिख रहा हूँ पहला इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 माइनस। अब आप देखिए एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, 0 40 रुपये 5 रुपये प्राइस थी तब भी हो रहा है 40 का एक्सपेंडिचर और 4 रुपये प्राइस होने पर भी 40 का एक्सपेंडिचर है, तो 0x उस समय आपकी 8 इकाई था और प्राइस 5 और यहां पर जो है वह हो जाता है आपका कीमत में परिवर्तन 1 के बराबर। अब 0 में 8 का भाग देंगे तो वो 0 की वैल्यू रहेगी, अर्थात इलास्टिसिटी यहाँ 1 के बराबर है। दूसरी स्थिति में आप देखिए इलास्टिसिटी के लिए 1 माइनस। अब यहाँ पर 36 रुपये जहाँ एक्सपेंडिचर होता है वहां पर आपका जो ये है आपके इसमें 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर आपका आपकी इकाई 8 और उसके बाद में जो है 8 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई -8, अर्थात यह --+1/2। यहां पर आपकी जो इलास्टिसिटी आएगी वह जो है वह 0.5 के आसपास, और तीसरी स्थिति के अंतर्गत आप जो इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो वो इलास्टिसिटी होगी 1 पॉइंट, जैसे यहाँ पर आपका आ गया एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 1 रुपये के बराबर, और यहाँ पर चूंकि 44 रुपये होने के कारण 4 जो यहाँ है प्लस का है डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 8 इकाई ही थी एक्स,
-1, तो ये हो गया 1 -4 / -8, इट मींस 1 - - प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 अर्थात 3/2, इट मींस 1.5। यह आप देखिए एक्सपेंडिचर में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे लेबांस्की ने तीनों स्थितियों में इस एग्जाम्पल के आधार पर लेबांस्की की मेथड के अंतर्गत अपन ने देखा कि तीनों ही स्थितियों में जो है वह इलास्टिसिटी है वह चेंज आई। जब एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं था तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, जब एक्सपेंडिचर घट गया तो इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 हुई, और जब एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में जो है वह इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 यानी 1.5 के आसपास जो हमारे इलास्टिसिटी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज के अध्ययन के अंतर्गत हमने आर्क इलास्टिसिटी को देखा, आर्क इलास्टिसिटी में हमने तीनों सिचुएशन को जांचने का प्रयास किया कि एक ही मान वक्र के दो बिंदुओं पर मान की लोच अलग अलग आती है, और जब हमने निम्नतम कीमत और निम्नतम मात्रा को लेकर देखा तो उस समय हमारी मांग की लोच प्राप्त हुई वह दोनों बिंदुओं पर प्राप्त मांग लोच के मध्य की स्थिति को दर्शाती है। इसके पश्चात हमने व्यय के अंतर्गत या व्यय को लेकर के प्राइस इलास्टिसिटी को मापने का प्रयास किया तो हमने ये देखा कि व्यय में परिवर्तन होने के कारण मांग की लोच को जो एचएच लेबांस्की द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार आकलन किया तो डिमांड इलास्टिसिटी अलग आई। विद्यार्थियों मांग की लोच का जो क्वेश्चन है टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ट्राई टू री लर्न अगेन एंड अगेन ऑफ दिस टॉपिक बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस एंड यूज द मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल बिकॉज वेन वी teach the topic of the point elasticity where the differential calculation is need for this analysis. Again I say this is very important chapter, don't afraid this chapter but try to read and learn this chapter. हम फिर इस chapter के बारे में अगर किसी तरह की समस्या है आप सवाल पूछें और पुस्तक में देखें, अगर इसमें संबंधित किसी तरह की यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमारे मांग की लोच का आज का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।